नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब समय है यमुनानगर की कम्युनिटी अपडेट्स का। आजाद नगर मार्केट में दुकान के आगे वाहन खड़े करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बोर्ड लगाने पर कोहिनूर ज्वेलर्स और केशव ज्वेलर्स के संचालकों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि जब कोहिनूर ज्वेलर्स के संचालक राजेश कुमार का बेटा कर्ण मंगलवार रात को दुकान से बाहर निकला तो केशव ज्वेलर्स के संचालक पवन उसके बेटे और नौकर ने उसे पकड़ लिया और उससे मारपीट की। छुड़ाने आए राजेश कुमार पर भी आरोपियों ने हमला कर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई। पुलिस ने मामले में केशव ज्वेलर्स के संचालक पवन, उसके बेटे, पवन के पिता, नौकर और एक अन्य के खिलाफ मारपीट, लूट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप में केस दर्ज कर लिया है। मार्च में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जानलेवा हो गया है। लगातार दूसरे दिन एक और कोरोना संक्रमित वृद्ध की मौत हो गई। प्रतिदिन संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है। बुधवार को कोरोना के 39 नए केस मिले, जिनमें से 7 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब तक कुल 7,459 संक्रमित मिल चुके हैं, इनमें से 7,031 स्वस्थ हो चुके हैं। पहले आरसी फर्जीवाड़ा हुआ, अब पेंशन का फर्जीवाड़ा हो गया। सरकार की ओर से बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान भत्ते पर भी डाका डाल दिया गया। गांव करेहड़ा खुर्द के बाग का माजरा में 16 लोगों की पेंशन हड़प कर ली गई। इनके नाम से एटीएम कार्ड जारी करा दिए गए, ना तो उन तक कोई पैसा पहुंचा और ना ही एटीएम उन लोगों तक पहुंचे हैं। दिखावे के लिए जांच भी की जा रही है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग सका कि पूरे फर्जीवाड़े का सूत्रधार कौन है। बुजुर्ग सम्मान राशि के लिए चक्कर काट रहे हैं। पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये थे यमुनानगर के कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।